मध्य प्रदेश के ऊर्जाधानी सिंगरौली जिले में एक शराबी हेडमास्टर की खबर को एनडीटीवी ने प्रमुखता से दिखाया था और हमारी खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। हमने खबर दिखाई थी कि सरई के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर राम सुंदर शराब के नशे में स्कूल पहुंचते हैं। हेडमास्टर इतने नशे में थे कि सही से ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख तक नहीं पा रहे थे। हेडमास्टर ने ब्लैक बोर्ड पर कलेक्टर की जगह कलर लिख दिया था, जिसका गांव वालों ने वीडियो बनाया और इस बात की शिकायत कर दी। शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच टीम गठित कर ली है। अब जांच रिपोर्ट के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। एमपी के सिंगरौली जिले में एक स्कूल में शराबी शिक्षक का वीडियो सामने आया था। वीडियो सामने आने के बाद जिला शिक्षा विभाग कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ में आज जिला शिक्षा अधिकारी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई करेंगे। सर, क्या कुछ कार्रवाई होगा, चूँकि एक शिक्षक जो है स्कूल में शराब पी कर जाते हैं और ब्लैक बोर्ड से उनसे लिखवाया गया कि सिंगरौली लिखिए, कलेक्टर लिखिए, वो कलेक्टर शब्द नहीं लिख पाए। ये बात कल संज्ञान में आई है और आज ही हम 3 सदस्यीय समिति बना दिए हैं। जांच के लिए टीम गई है, ये है सरई क्षेत्र की। जांच समिति की जो रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। जो साफ तौर पर है कि जिला शिक्षा अधिकारी हमारे साथ में थे, जो साफ तौर पर इनका कहना है कि जांच रिपोर्ट में जो कुछ तत्व सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।